सब्सक्राइब कीजिए ई मित्र हेल्प वीडियो यूट्यूब चैनल और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज का वीडियो है VMOU कोटा, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा का डिफॉल्टर फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल में VMOU टाइप करना है, RS सर्च रिजल्ट में से VMOU.ac.in लिंक पे क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आप VMOU के ऑफिशियल पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। जैसे VMOU के ऑफिशियल पोर्टल पे पहुंचेंगे तो इसके जब बैक करते हो नीचे आएंगे तो एग्जामिनेशन एक फील्ड आएगी, इसके नीचे थर्ड वाले ऑप्शन डिफॉल्टर परीक्षा आवेदन, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी। इसके अंदर नीचे देखो, नीचे से सेकंड वाला ऑप्शन अभी आ रहा है डिफॉल्टर परीक्षा आवेदन फॉर्म, तो इसके लास्ट में अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपका फॉर्म का फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में स्कॉलर नंबर मांगे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको स्कॉलर नंबर फिट करना है। फिट करने के बाद दोस्तों आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे इस स्कॉलर से संबंधित सारी डिटेल आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगी। लॉगिन होते ही आपका फॉर्म का पूरा डेटा दिखाई देगा। यहाँ एग्जामिनेशन सेशन जून 2018 है, फिर स्कॉलर नंबर, रीजनल सेंटर भी दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट एंड फादर्स नेम, यहाँ पे मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। तो दोस्तों मैं अभी फिल करके हूँ। जैसे ही आप इस दोनों डेटा को फिट करेंगे तो इस तरह से पूरी स्क्रीन दिखाई देने लगेगी। तो यहाँ पे पूरा डेटा, स्टूडेंट एडमिशन डिटेल, फर्स्ट वाला स्टेप पूरा हो। अब जैसे ही हम थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ ये डिटेल, एग्जामिनेशन डिटेल, तो यहाँ पे दोस्तों एग्जामिनेशन मीडियम पढ़ना है फर्स्ट में, सेकंड में एग्जाम सिटी चूज करनी है, और थर्ड में सिटी ऑफ प्रैक्टिकल, अगर प्रैक्टिकल एग्जाम है तो प्रैक्टिकल एग्जाम, फिर सब्जेक्ट का चयन करना है और पेमेंट मोड लेके सबमिट पे क्लिक करना है। दोस्तों तो मैं बता दूँ, तो यहाँ पे मैंने देखो सबसे पहले एग्जाम मीडियम में हिंदी लिया, एग्जाम सिटी में जालौर फिट कर लिया, प्रैक्टिकल एग्जाम कुछ नहीं है तो मैंने यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया, फिर सब्जेक्ट MA हिस्ट्री फाइनल है तो यहाँ पे मैंने लास्ट वाला सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कर लिया, और उसके बाद मैंने पेमेंट मोड सेलेक्ट किया, और जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब फॉर्म सबमिट हो चुका है और यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको पे नाउ पे क्लिक करके पेमेंट प्रक्रिया ऑनलाइन पूर्ण करनी है। जैसे ये प्रक्रिया आपकी पूर्ण हो जाएंगी, पेमेंट के बाद वापस आप इसी पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और आपकी स्क्रीन पे प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन शो होने लगेगा। तो दोस्तों आपको इस प्रिंट बटन पे क्लिक करना है और आपका डिफॉल्टर फॉर्म के प्रिंटआउट आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके अंदर लिखा, प्लीज डू नॉट सेंड अ हार्ड कॉपी ऑफ द दिस एप्लीकेशन फॉर्म, यू मे कीप दिस फॉर योर रिकॉर्ड। इसकी कोई हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है, अपने रिकॉर्ड के लिए संभाल के रखें। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया लाइक शेयर व कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय दोस्तों, जल्द मिलते हैं नई वीडियो।